ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਜਰੀ ਸਵੇਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਹੈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ दस दिए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे राही ये बैठक रखी गई है दोपहर 2:30 बजे का वक्त है जिस वेले मीटिंग होएगी समीक्षा मीटिंग होएगी। समीक्षा मीटिंग का मतलब यही कि हूँ तक जिन्हें भी सरकारी पद्धर से कदम चुके गए ने हिदायत जारी की जा चुकी ने गाइडलाइन जारी ने किस हद तक कारगर साबित हो पाई ने और की उसके नतीजे ने ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ एक बार फिर तो दस दिए कि मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह के वालों जिथे एक समीक्षा बैठक रखी गई है ताकि जरूरी कदम जो कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सरकार के वालों चुके गए हैं उसके की नतीजे ने किने को कारगर साबित हो पाए ने और अगे कि कदमों की या फिर गाइडलाइन जारी करने की जरूरत है। दूजे पास सीएम के वालों सूबे के नौजवानों के नाल भी गलबात की जाएगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही। अनमोल साढ़े नाल साढ़े सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनमोल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह देश के पहले मुख्यमंत्री रहे जिन्हों की तारीफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की जो पहला करफ्यू लग्या सी पंजाब दे विच करोना की पहली लहर के दौरान तो हूँ जो कदम मुख्यमंत्री दे वलों चुके जा रहे हैं किन्ने को कारगर साबित हो पा रहे हैं होर किहड़ियां गाइडलाइनस जारी किए जाण की जरूरत है इस नूं लैके समय समय से मीटिंगां का दौर भी जारी है। आज की मीटिंग के बारे की जानकारी जी बिल्कुल गगन साफ तौर से जेकर गल की जाए जिस तरीके तुम भी दसा कि देश के प्रधानमंत्री वालों शलाघा की गई थी जिड़ी भी कदम चुके गए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों साफ तौर से कहा जा सकता है कि जरा ग्राफ है उनकी भी जेकर गल की जाए तो ग्राफ जरा की है वो थले आंदा जरूर नजर आ रहा है जिद साफ तौर से कहा जा सकता है कि जेडे गाइडलाइन इशू की गई थी जेडे कोई स्टेप चके गए थे और कितने कितने कारगर साबित होंगे नजर आ रहे हैं लेकिन आने वाले दिनों के किए स्ट्रैटी हो सकती है क्योंकि एक पास जोड़ा की है मेडिकल फैसिलिटीज की जी की है घाट है दूसरे पास वैक्सीनेशन की घाट है इन सारी चीजों लैके किस तरीके सिचुएशन कंट्रोल किया जाता है उसके बाद किस तरीके आने वाले सिचुएशन के लिए तैयारी की जाती क्योंकि डेफिनेट जो हजे भी नहीं घटिया पंजाब के जरूर ग्राफ जोड़ा कि पॉजिटिविटी का थले आता नजर आया है लेकिन डेथ रेट जोड़ा क्या नहीं घटिया जो कि एक चिंता का विषय है तो वो हम बैठक जी क्या एक बुलाई गई है अब दोपहर बाद बैठक हो गई जिस सब तो वही गल है कि जोड़े यूथ वॉलंटियर है उन्होंने भी गलबात जरूर की जाऊगी ताकि ग्राउंड लैवल तक ग्राउंड लैवल की रिपोर्ट जी की है एक लगी जाए ये राणा सोढ़ी जोड़े कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने वो भी मौजूद रहेंगे तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि इस बैठक के आने वाली जी है उसनों असैस करके नवी गाइडलाइन जी है शामिल किया जा रहा है संवाद दे ले मुख्यमंत्री दे वल्लों बिल्कुल क्योंकि इस पूरी मूवमेंट की गल की जाए इस वक्त जो कुछ पंजाब सरकार वालों या खास तौर पर पीपीसीसी वालों जो भी उपराला किया जा रहा है वो यूथ वालों काफी योगदान जरा क्या दिता जा रहा है यूथ वालों काफी ज्यादा अगे आके वॉलंटियर किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह का हेल्पलाइन नंबर भी इशू किया गया उस हेल्पलाइन नंबर के जोड़े की ग्राउंड लैवल जो कंट्रोल रूम है चंडीगढ़ है लेकिन उसके बाद पंजाब के जोड़े ग्राउंड लैवल से टीम मौजूद ने वो भी ज्यादातर यूथ वाले नहीं है तो यूथ में ज्यादा अगर मिशन फतेह की गल की जाए करोना कंट्रोल करने के लिए मिशन फतेह शुरू किया गया फिर मिशन फतेह 2.0 आया किन्ने को कारगर नतीजे इससे निकल के सामने आ रहे हैं क्योंकि प्रशासनिक पद्धर के अधिकारियों की जिम्मेदारी इस तहत लगाई गई थी कि वक्त वक्त टीमों का गठन किया जाए पिंड पद्धर तक पहुंचा जाए ज्यादा तो ज्यादा टेस्टिंग होवे ट्रेसिंग होवे वैक्सीन होवे जी बिल्कुल पंजाब मिशन फतेह जब शुरू किया गया
सिचुएशन काफी ज्यादा खराब होती नजर आ रही थी, काफी ज्यादा डेथ रेट भी काफी ज्यादा हो गया सीगा, जिस तरीके ना स्केल सीगा वह डे बाय डे बढ़ रहा सीगा, लेकिन हुण दी गल कीती जावे तां स्केल भी डिगदा नजर आ रहा है। पहली लहर दे विच भी और दूसरी लहर दे विच अहम योगदान उन्होंने पाया, हालांकि खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए सी, लेकिन हुण ठीक होके इस मीटिंग दा हिस्सा होंगे, नौजवानों नूं प्रेरित करते हुए नजर आउणगे। जी बिल्कुल, जेकर सोनू सूद के भी योगदान की गल की जाए गगन, तो सब तो वाला जरा काम सीगा सोनू सूद का अवेयर कराना सीगा, क्योंकि काफी ज्यादा भ्रम लोगों के दिलों में सी गई, भावे वैक्सीनेशन लैके हो या फिर टेस्टिंग लैके हो, तो डर जो भ्रम जोड़े की है वह दूर करना, तो सब तो वही गल अवेयरनैस कराना, अवेयरनैस कराने के काफी ज्यादा योगदान जोड़ा की सोनू सूद वालों दिता गया, जो कि मिशन फतेह का ही हिस्सा से, सोनू सूद का भी योगदान जोड़ा किया काफी ज्यादा किया जा सकता है कि मनिया जाऊगा इतने, क्योंकि अवेयरनैस जो की है पिंडा के अवेयरनैस की गल की जाए तो लोग टेस्टिंग लैके टेस्ट नहीं करवा रहे थे, सरकार वालों जरूर विनती की गई थी कि जेकर माइल्ड सिम्टम्स भी हो अपना टेस्ट करवा, लेकिन फिर भी लोग जोड़े की है टेस्ट नहीं करवा रहे थे, ईवन वैक्सीनेट तो डर रहे थे, इन तमाम चीजों लैके एक अवेयरनैस कैंपेन जी शुरू की गई थी, उस भी पंजाब सरकार काफी सक्षम रही। तो जिम्मे कि तुम्हें कहा कि सोनू सूद के योगदान की गल की जाए, तो सोनू सूद का योगदान जोड़ा की है वह भी इतने काफी ज्यादा मनना होगा कि काफी व्डा रोल, एक काफी कैरेक्टर जोड़ा कि वह इतने अदा किया गया सोनू सूद वालों। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल फिलहाल तक की जानकारी के लिए। तो 2:30 बजे का इंतजार रहेगा, 2:30 बजे का वक्त है जो सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे राही तमाम जानकारी हासिल भी करेंगे और जरूरी दिशा निर्देश जारी भी हो सकते हैं। पंजाब दे विच बेहतर रिकवरी रेट दे नाल कोरोना दा आंकड़ा हुण घट रहा है, पिछले 24 घंटिया दे अंदर सूबे दे विच 4,124 नवे केस सामने आए और इस इलावा 24 घंटिया दे अंदर 186 मौतां दर्ज हुई ने, 6,397 मरीज ठीक हुए ने और कोरोना दे कुल मामलिया दा आंकड़ा 5,52,235 तक पहुंच चुकी है, जबकि एक्टिव मरीजों का आंकड़ा घट के 50,549 तक गया। इस तो इलावा सूबे भर में कोरोना के करके हूं तक 13,827 लोगों की जान जा चुकी है। जिलेवार तरीके दे नाल आंकड़े ग्राफिक्स के जरिए तुम देख सकते हो, थोड़ी टीवी स्क्रीन पर ने वक्त जिले के आंकड़े ने पंजाब के तिना ही खेतरों तो लुधियाने हालांकि केस खासे सामने आ रहे हैं, इसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, खास तौर पर लुधियाना वासियों लुधियाना के मौजूद प्रशासन को जरूरत है कि जरूरी दिशा निर्देशों का पालन किया भी जाए और कराया भी जाए। साढ़े नाल साढ़े सहयोगी जुड़ चुके हैं पठानकोट तो, अजय महाजन जुड़ चुके हैं पटियाला तो, बलिंदर साढ़े नाल जुड़ चुके हैं। बलिंदर की जानकारी है, अगर सीएम सिटी पटियाला की गल की जाए, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वालों संजीदगी वरती जा रही है, इस विच कोई दोराहे नहीं है, लेकिन विरोधियों दे वालों जरूर कई सवाल चुके जा रहे हैं, कई कमियां गिनवाइया जा रही ने। अगर पटियाला दे हालातों की गल की जाए तो पटियाला दे विच करोना केसा नूं लेके किस कदर हालात ने, हस्पतालां च डिस्पेंसरियां च जां फिर अगर समाज सेवियों की भी गल की जाए मददगार हाथ भी किवें सामने आ रहे हैं, कि कुछ सहूलत लोगों तक पहुँच पा रही ने, कि लोगों के अंदर भी कोई शिकायत है कि उन्होंने तक ये चीज़ नहीं मिल पा रही है, जां मिशन फतेह के तहत फतेह किटा भी सन सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के वलों के पिंड पर्दे तक पहुँचाई जा, कि कारगर सब कुछ सामने आ रहा कि कुछ कमियां सामने आ रही ने। देखो गगन, सब तो पहला मैं कोरोना की जी शाही शहर पटियाला जी कोरोना का अगर अपडेट करिए, कोरोना के फिलहाल मरीजों की जो गिनती है वो हौली हौली एक्टिव जी केसा की गिनती घटती जा रही है, हालांकि 5-7 दिन पहला
4,000 के करीब पहुंच चुके से एक्टिव ते हुण 29 जिहड़े हैगे 2900 के करीब एक्टिव केस रह चुके ने। अगर मौतां दी गल कीती जावे कोरोना दे नाल तां पहला 30 तों 35 जिहड़े हैगे जिहड़े मरीज रोज मरदे सन, लेकिन अज दी अगर स्थिति दी गल कीती जावे पिछले 24 घंटे तां 20 जिहड़े हैगे कोरोना दे नाल मरीजां दी मौत होई है। गल कीती जावे हुण आसपास इलाके दे वी जिवें तुसीं सवाल पुछिया कि इंतजाम किवें है, इंतजाम अगर गल कीती जावे फिलहाल इंतजाम ठीक है। हालांकि पिछे जे 15 दिन पहला जो इंसान कोरोना होंगे उन्होंने किटा जी शोर्टेज जरूर पै गई किट अगले दिन दी जाती थी, लोग काफी नाराज दिखाई देते थे। फिलहाल अगर अज की गल की जाए तो किटा मौजूद है सरकार को, तो किट हर किसी को पहुंच रही है। दूजी गल एक जरूर मैं गल कहना चाहूंगा, प्राइवेट हॉस्पिटल के उपर सरकार शिकंजा जरूर कसना चाहिए है गगन। अगर गल की जाए आस पास इलाक प्राइवेट हॉस्पिटल तो उत्थे लुट चल रही है। पाटणा अजिहा है केस आया कि एक महिला को पैसे नहीं सी तां उन्होंने घर का बयाना जिहड़ा है हॉस्पिटल ने अपने नाम जिहड़ा करवा लिता गया सी। हालांकि हॉस्पिटल वालों इस प्रबंधक वालों घर का बयाना अपने नाम करवा लिया। जी और इस जो असी वड्डे अफसर गलबात की तां असी उन्होंने कहा कि असी 3 मैंबरी कमेटी बढ़ा दी गई तो इस जल्द इस पूरे मामले का असं बारे दसा गए, परंतु फिलहाल 3 मैंबरी कमेटी शांत है, उन्होंने वालों कोई भी जवाब नहीं आया। जो असं होस्टल अधिकारियों ने गलबात की तो उन्होंने वालों इन्हों चीजा का सारा का खारिज किया, ऐसे ही कोई गल नहीं यह कह के पला झाड़ दिता गया। सो जरूरत है प्राइवेट होस्पिटल के उपर जोड़ा है शिकंजा कसन की। लोग थोड़े जे काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं कि प्राइवेट होस्पिटल 4,000,000 का बिल बढ़ा दिया जाता है, वो जरूरत है सरकार को इधर थोड़ा जहां ध्यान देने की। बाकी अगर कुल अगर इंतजाम जारी ने मुख्य सकत्र विनी महाजन ने भी कहा है कि इस तरह की अगर लुट खसुट हस्पतालों के विच हुंदी है शिकायत मिलने से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुण जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है, सरकार दे वल्लों सख्त हिदायतां ने, प्रशासन कितना कुछ सख्त नजर आ रहा है। देखो प्रशासन की अगर गल की जाए तो फिलहाल सेहत विभाग वालों जी सरकारी हिदायतां ने वह जी लोगों तक जरूर पहुंचा जा रहे हैं। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल के उपर अगर कोई गाज या कोई शिकायत आती है फिलहाल वह ढिला रवैया प्रशासनिक अमला ही ढिला पैंदा होया नजर आ रहा अगर हस्पतालां च मरीजां दी लुट खसुट हो रही है। मैं आऊंगी तुहाडे कोल बलिंदर पठानकोट तो अजय महाजन साडे नाल जुड़े हुए ने। अजय आस पास सरहदी एरिया की भी जानकारी दिओ क्योंकि सरहदी एरिया तक फतेह किटा पहुंच पा रही ने कि नहीं, हस्पतालों के की हालात ने पटियाला जिदा विच दा बुरा हाल है जिस तरह के उन्होंने दसिया कि लुट खसुट हो रही है और प्रशासनिक अमला सतर्क नहीं है या ढिला रवैया है, पठानकोट के की हालात ने। जी पठानकोट एक छोटा जिला है गया, सरहदी इलाका है गया, और पठानकोट के जे एक्टिव केसा की गल की जाए तो पठानकोट के 1764 एक्टिव कोरोना के पॉजिटिव मरीज जोड़े है वह मौजूद है तकरीबन 24 घंटे के दौरान 10 मौत हुई ने और 24 घंटे के दौरान 250 तो ज्यादा मरीज जोड़े है वो दोबारा कोरोना पॉजिटिव जोड़े है वह पाए गए हैं। जेकर होस्पिटल की गल की जाए या सेहत सहूलत की गल की जाए तो प्रशासन लगातार प्राइवेट होस्पिटल की चैकिंग कर रहा है। कल भी पठानकोट सिविल प्रशासन वालों प्राइवेट हस्पतालों का दी चैकिंग की गई थी, लेकिन चैकिंग के कुछ भी आपत्तिजनक जोड़ा है वह नहीं पाया गया। इसकी एक वड्डी वजह यह भी हो सकती है क्योंकि लैवल 1 और लैवल 2 के पेशेंट जोड़े है उ पठानकोट रखे जा रहे हैं, जोड़े लैवल 3 के पेशेंट है वो वे शहरों रैफर कर दिए जाते हैं जिमें कि अमृतसर या होर किसी शहर में जोड़ा है लैवल 3 के पेशेंट जोड़े है वो रैफर कर दिए जाते हैं। लैवल 1 और लैवल 2 के पेशेंट जोड़े है पठानकोट के सरकारी और प्राइवेट हस्पतालों के जोड़े है वो मौजूद रहते हैं। जो प्रशासन की अगर गल की जाए तो प्रशासन लगातार चैकिंग जी है वो कर रहा है, लगातार प्राइवेट हस्पतालों के चैकिंग की जा रही है, डिस्पेंसरियों के जोड़ा है वो चीज़ा पहुँचाई जा रही ने। उस तो इलावा जी फतेह किटा की गल की जाए तो फतेह किटा भी जोड़िया पॉजिटिव मरीज जोड़े एक्टिव है उन्होंने घर तक पहुँचाई जा रही ने, क्योंकि कुछ दिनों तो एक्टिव मरीजों की गिनती जी है वो काफ़ी घट नज़र आ रही है, लेकिन मौतों का अंकड़ा हजे भी बरकरार है। 10 मौत 24 घंटे जी है वो रिपोर्ट की गई ने, जो कि एक बहुत ही हैरानीजनक गल हैगी क्योंकि मौतों का अंकड़ा जोड़ा है पठानकोट में घट नहीं रहा है। 1764 एक्टिव मरीज पठानकोट के है और लैवल 1 और लैवल 2 के मरीज जोड़े है वही पठानकोट रखे जा रहे हैं। जानकारियां मैं थोड़े को हासिल करना चाहूंगी
कि हस्पतालां दे विच जरूरी सहूलतां पहुंच पा रही ने, मिल पा रही ने मरीजों को कि नहीं। नंबर दो कि पठानकोट के हस्पतालां दे विच भी पेशेंट्स के नाल लुट खसुट की जा रही है, कि इस तरह खबरां उत्थे भी ने? जी बिल्कुल, साड़ी अधिकारियों गगन इस बारे गल हुई सी, उन्होंने यही गल कही सी कि हजे तक कोई शिकायतकर्ता सामने नहीं आया है। इसकी एक वड्डी वजह यह भी हो सकती है क्योंकि जेडे इनिशियल स्टेज के उत्ते लैवल वन और लैवल टू के जेडे पेशेंट है वही पठानकोट के रखे जा रहे हैं। इस तो उपर की स्टेज का लैवल थ्री की स्टेज का जिन्हों ऑक्सीजन की ज्यादा लोड़ हैगी है, जिसके फेफड़े ज्यादा प्रॉब्लम हैगी है वायरस कारण, उन्होंने इतने नहीं रखा जा रहा, उन्होंने अमृतसर या फिर किसी वड्डे शहर से रैफर कर दिया जाता है। इस करके शिकायतें जी है पठानकोट के नाम मात्र ही मिल रही है, क्योंकि इनिशियल इतने जोड़ा है लैवल वन लैवल टू के पेशेंट रखे जा रहे हैं, उस तो उपर पेशेंट जोड़ा है जो क्रिटिकल पेशेंट है वो पठानकोट तो रैफर कर दिया जाता है अमृतसर या फिर वड्डे शहर में। हालांकि शिकायत कोई नहीं आई हैगी, लेकिन रियलिटी चेक जोड़ा है जरूर प्रशासन वालों सारे निजी हस्पतालों के रखा जा रहा है। जी ठीक, चंगी गल है कि पठानकोट के फिर फिलहाल इदा की कोई शिकायत नहीं आई है और सुजजे तरीके सब कुछ चलता रहे, कोरोना जल्द असं मात दे पाईए, इसलिए प्रशासनिक अमले में भी सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय और बलिंदर, थोड़ा भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगे बढ़ांगे ब्लैक फंगस की गल करांगे, कोरोना हाले कंट्रोल कर नहीं पाया, ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी और केस लगातार बढ़ रहे हैं। ब्लैक फंगस के केसों के बारे पटियाला सिविल अस्पताल पटियाला सिविल सर्जन डॉक्टर सिंदर सिंह ने दस्या है कि ज्यादातर ब्लैक फंगस के केस कोरोना मरीजों के ठीक होने तो बाद पाए जाते हैं। ब्लैक फंगस का शिकार वो लोग होंगे ने जो कि स्ट्रोंग सॉल्ट दवाई खाते हैं, या जब यानी कि स्ट्रोंग सॉल्ट दवाई वह कि ज़्यादा डोज होंगी है, जिस दवाई के ज़्यादा हैवी दवाई होंगी है, ताकि किसी को या फिर पुरानी शुगर जिसनों होंगी है उसनों ज़्यादा खतरा है। डॉक्टर ने दस्या है कि ब्लैक फंगस का इलाज मुमकिन है जेकर समा रहिंदे डॉक्टर तक पहुँच की जाए। इस गल का भी ख्याल रखना जरूरी हो जाता है कि बिना डॉक्टर की सलाह कोई दवाई ना ले जाए, हैवी डोज दवाई बिल्कुल ना ले जाए। मेरे नाल पटियाला तो सिविल सर्जन डॉक्टर सतिंदर सिंह मौजूद है, गल करेंगे उन्होंने। डॉक्टर साहब, सब तो पहले दसा जाएगा कि पटियाला किसी ने ब्लैक फंगस के जो केस आए हूँ तक? पटियाला ब्लैक फंगस के 2 केस आए, जो 16 केस रजिंदर हॉस्पिटल आए हैं, 4 केस एक प्राइवेट हॉस्पिटल आए हैं, 2 एक प्राइवेट हॉस्पिटल आए हैं। देखो ये नवी बीमारी है, जे ये कितने तक एक्सटेंड करती है उस हिसाब से घातक होती है, जो टाइपे का इलाज हो जाए तो यह ठीक भी हो सकता है। डॉक्टर आप गल करा, बहुत सारे लोग अवेयर नहीं, थोड़े जरिए अभी अवेयर कराना चाहते हैं कि लक्षण की ने, कि इलाज हो सकता संभव इलाज है, तो जिंदा की चलाया इस तरह कि यह जी बीमारी आई है यूज ऑफ स्टीरॉइड्स करके ज्यादा आई है, तो जो डायबिटिक पेशेंट है उन्होंने ज्यादा बीमारी पाई गई है। सो जो लोगों के कोविड के लक्षण आते हैं वो प्राइवेट तौर पर अपने इलाज करवाना शुरू कर देंगे, स्टीरॉइड्स लेने शुरू कर देंगे, किन्नी मैद लैनी है, किन्नी डोज लेनी है, पिंडा में अनकुआलीफाइड लोगों को लैके जो कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं रजिंदरा जाते हैं ट्रीटमेंट लेते हैं, ट्रीटमेंट के दौरान भी उन्होंने स्टीरॉइड देने पैदा ने, इस करके ओवर स्टीरॉइड करके ही हमें देखने जाया कि कुछ बीमारी आ रही है। पटियाला के रुख एक बार फिर तो करांगे, जिथे एक साल तो लवारस सालत दे विच खड़ी 108 एम्बुलेंस नूं रातों रात कंडम ऐलान दिता गया। हालांकि कोरोना कहर दे करके कमेटी दे वलों प्रवानगी मिलनी बाकी है। सिविल सर्जन डॉक्टर सिंदर सिंह ने इस बारे जानकारी दिती, उन्होंने दस्या है कि इन्हां दी हालत नूं देखदे हुए जरूरी सी, क्योंकि बेकार स्थिति दे विच पईयां एम्बुलेंस मरीजां दे लई जान दा जोखम भी बन सकदियां ने। उन्होंने भी दस्या कि पटियाला दे विच इस वक्त एम्बुलेंस की कोई कमी नहीं है। इत्थे भी दसना जरूरी है कि 108 एम्बुलेंस की खराब स्थिति के बारे मीडिया तक मामला पहुंचा सी, जिस तों बाद यह कार्रवाई अमल च लियांदी गई। ये 11 एम्बूलेंस है जिहड़ियां ऑलरेडी लिस्टेड ने साड़ियाँ कंडम करके साढ़े ब्लॉक्स के SMOs ने वो असी कैलकुलेट करके इतने खड़ियाँ कीतियां सी, ताकि डिस्ट्रिक्ट की कंडमनेशन कमेटी इनू कंडम करके असी अगों इहदा प्रोसैस कर सकीए। पर पिछले एक साल तो कोविड का काम इन्ना ज़्यादा वध गया सीगा कि असी कोविड करके इहदे वल ध्यान नहीं दे सके, पर असी हुण जो जे आने वाले थोड़े टाइम के विच ही माहौल ठीक हो रहा असी इहदी कंडमनेशन करा रहे। इस वेले की अगली वड्डी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ बठिंडा तो,
जिथे एएसआई दे वल्लों एक महिला दे नाल जबर जिना किया गया। यह इल्जाम है इस एएसआई ते एक महिला दे नाल जबर जिना करन दे इल्जाम ने हाई कोर्ट ने मामले दे विच नवी एसआईटी दा गठन किया। तीन महिला ऑफिसर्स ने जांच रिपोर्ट की जिम्मेदारी सौंपी थी। पहला बनाई गई कमेटी नू हाई कोर्ट ने रद्द किया। मामला बेहद संवेदनशील है। मर्द पुलिस अधिकारियों की एसआईटी बनाना पुलिस की असंवैधानिक शीलता है। ये हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। दोषी एएसआई ने पुत ते झूठा केस बना के मां दे नाल जबर जना किया। देवानंद साढ़े नाल फोन लाइन ते जुड़ चुके ने। देवानंद, पूरा मामला की है भी जानकारी दियो और कदों दा है मामला है और हाई कोर्ट दे वल्लों कीती गई सख्त टिप्पणी की है। बिल्कुल गगन दास जी, क्योंकि पिछले दिन ये मामला पूरा गरमाया सी, क्योंकि एक जिहड़ा एएसआई जिहड़ा कि फ्री कोर्स पठंडा दे सीए स्टाफ च लगा सी अते रोजाना ही महिला नूं तंग पछाण करदा सी, नजायज़ संबंध बनाउण लई वी धमकियां दिंदा सी। लेकिन जो महिला ने इस गल का इनकार किया तो उस तो बाद लड़के से एक एनडीपीसीएफ का मुकदमा पाता, मुकदमा दर्ज कर दिया गया, नशे से केस गिरफ्तार कर दिया गया। उस तो बाद लगातार ब्लैकमेल करता रहा। लेकिन जो महिला ने अपने बच्चे को छुड़ाने लिए गया तो उस तो पैसा की मांग भी की गई। सब तो वही गल कहना कि पहला तो तंग पछाण करती है पुलिस, अक्सर ही पुलिस से कई सवाल खड़े होते हैं, उस तो बाद पैसे की मांग करते हैं। लेकिन महिला लगातार रोकती रही, लेकिन वो लगातार ब्लैकमेल कर देगा। उस तो बाद पिंड वालों ने लोगों ने रल के जो पता लगा भी इस तरह एक पुलिस मुलाजम है जरा तंग पछाण करता, उस तो बाद पकड़िया जाता महिला न, क्योंकि उस वक्त पकड़ के तो परचा दर्ज किया जाता। लेकिन सब तो वही गल है कि उस तो बाद एस आई टी जी है बठिंडा पुलिस बना दी है, उस तो बाद जो महिला वालों भी एक रुख है जरा हाई कोर्ट में किया जाता है। हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी इस जो आदेश दिए हैं कि एक महिला है वो सारे महिला पुलिस अधिकारी होने चाहिए ने, क्योंकि जांच फिर ही हो पाएगी। इसलिए हाई कोर्ट ने एक झटका जरा पद कह सकते हैं बठिंडा पुलिस में एस आई टी रद्द करने की तीन महिलाओं की थिट बनाई गई है, जिन्हों में गुरप्रीत सिंह दियोल ए डी जी पी एस 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 पी मुक्तसर, मैडम छोटरा जी आई ए IAS IPS ते प्रभजोत कौर DSP, इन्हां तिन्नां महिलावां नूं इह सिट पाई गई है, क्योंकि महिलावां ही इस केस की जांच कर सकदियां ने। इस करके बठिंडा पुलिस नूं दस्सदी इक वड्डा झटका, क्योंकि पहलां अपने वल्लों एसआईटी बनाई गई सी कि इंसाफ दी मंग रहे सी, लेकिन फिर इन्हां नूं पटीशन दायर कीती गई हाईकोर्ट, हाईकोर्ट वल्लों ही झटका दे के जिहड़ियां तीन आ महिला अफसर हैं जिहड़ियां ने पूरियां इमानदार। इस तरह दे मामलियां दे विच देवानंद इह पहली वार होएगा कि कोई अदालत जिसने इनी संजीदगी दे नाल मसले नूं लिया होए के महिलावां दी एसआईटी दा गठन कीता गया। बिल्कुल गगन, पहली बार संज्ञान लैंदे, क्योंकि इस तों पहलां कदे वी इस तरह नहीं होया, क्योंकि पूरी जिहड़ा आपां करदे आं पूरे पारदर्शी नाल तरीके नाल जांच होनी चाहीदी, क्योंकि बठिंडा दे इक विधवा नाल ब्लैकमेलिंग दुष्कर्म दा मामला, क्योंकि पूरी गंभीर इल्जाम आ जिहड़े ओह पंजाब पुलिस ते लगे ने। इस करके ही जिहड़ा पहली बार होया कि सारे पुलिस अधिकारी ਦਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਵਾ ਮਹਿਲਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਪਾਏ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੂਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਦਰਦ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ और एस आई टी तो उस पीड़ित महिला नु इंसाफ जरूर मिलेगा, इसकी पूरी उम्मीद करते हाँ। देवानंद फिलहाल तक की जानकारी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इन खबरों की जानकारियां इन्ना ही, नवी ताज़ा खबरों के नाल फिर मिलांगे। अपना अपने परिवार का ख्याल रखो।